चलिए बढ़ते आगे और रुक करते हैं हरियाणा की आज की सबसे बड़ी खबर का। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी का दामन आखिरकार थाम लिया, बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर कुलदीप बिश्नोई ने पत्नी रेणुका बिश्नोई और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, सीएम मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत कई बड़े नेता बीजेपी के मौजूद रहे। इस मौके पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वो बिश्नोई का पार्टी में स्वागत करते हैं। हरियाणा के विकास में कुलदीप बिश्नोई ने सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने पहले भी अच्छा काम किया है और कुलदीप बिश्नोई के साथ मिलकर वो कह रहे हैं कि काम कर चुके हैं। हमारी पार्टी ने चुनाव इकट्ठा लड़ा था कुलदीप बिश्नोई के साथ। उम्मीद है कि अब कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ मिलकर बीजेपी को मजबूत करेंगे और प्रदेश का विकास करेंगे। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि 3 साल हमारा गठबंधन रहा, अंत में आकर मतभेद हुए लेकिन मनभेद नहीं हुए, ये बात कह रहे हैं। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए सोनाली फोगाट बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनाली फोगाट जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। नमस्कार। किस तरह से देख रही हैं आप कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में आने को? हाँ, देखिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की वो तारीफ कर रहे हैं कि ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं, तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है क्योंकि कांग्रेस से आगे जिनके फादर हरियाणा में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, बहुत बड़े नेता जाते हैं हरियाणा की राजनीति में, तो उनके परिवार से किसी का आना हमारे लिए ये गर्व की बात है, हमारी पार्टी के लिए बड़े सम्मान। तो क्या लग रहा है आपको सोनाली जी, कुलदीप बिश्नोई के आने के बाद पार्टी हरियाणा में और भी ज्यादा मजबूत होगी, ज्यादा फायदा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। किसी नेता का पार्टी में शामिल होना तो ये एक हमारी मजबूती और बनेगी। सोनाली जी, क्या आप भी स्वागत कर रही हैं मन से कुलदीप बिश्नोई का? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। हमने तो पहले ही कह दिया था कि अगर वो आना चाहे तो हम स्वागत करते हैं उनका। वो आ गए हैं तो बिल्कुल पूरे मान सम्मान के साथ हम उनके साथ काम करेंगे, वो हमारे साथ काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में। ऐसा तो नहीं सोनाली जी आप सोच रहे कि आ ही गए तो स्वागत कर देते हैं उनका, क्योंकि पहले आपने? नहीं, उनके आने आने की का तो 2 महीने से चल रहा है, मैं तो पहले क्लियर कर चुकी हूँ जी। मेरा फर्स्ट ट्वीट मैंने ही तो किया था जी। सोनाली जी, आपने जनता टीवी से बातचीत में कहा था कि आप कुलदीप बिश्नोई से आप सीनियर हैं और आपने कहा था कि मैं उनको सिखाऊंगी कि बीजेपी में कैसे काम होता है, वो काफी जूनियर है। बिल्कुल, भाजपा में तो मैं उनसे सीनियर हूँ, आप उनसे सवाल कीजिए ना, ये मैं तो कह चुकी हूँ। अब कुलदीप बिश्नोई से आपको पूछना है कि मैं सीनियर हूँ कि वो सीनियर है, वो बताएंगे आपको बहुत अच्छे से जी। लेकिन आपने कहा था कि वो बीजेपी में किस तरह से काम होता है, इन चीजों को सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे आप कुलदीप बिश्नोई को? देखिए, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी क्लियर कर चुके हैं कि एक कार्यकर्ता के रूप में ही उनको काम करना पड़ेगा। और बिल्कुल, जो आप लोगों ने भी देखा है कि विधानसभा चुनाव के लड़ने के बाद किस तरह से हम काम करते हैं, मेरा रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए आदमपुर विधानसभा का, जो चीजें वो नहीं कर पाए वो हमने की थी, वो चीजें हम उनको सिखाने वाले। लेकिन जो चुनाव के वक्त में आरोप प्रत्यारोप थे, तनातनी थी, मनमुटाव था, वो सब अब तो नहीं है? बिल्कुल, देखिए, होता ही है, अगर कोई किसी के सामने चुनाव लड़ता है वो मेरे कंपटीटर रहे हैं, लेकिन अब वो हमारे साथी हैं, वो हमारे साथी हैं भाजपा में कार्यकर्ता के रूप में, तो पहले वाली जो चीजें है वो हमने अलग छोड़ दी है, लेकिन अब वो हमारे साथ आए हैं तो हम मिलके साथ ही काम करेंगे। इसके अलावा सोनाली जी, मनभेद मतभेद ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए हमारा जो संगठन है, हम लोगों ने हम खून पसीना अपना बहाया है इसको खड़ा करने में। मैं 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और आज ऐसे लोगों का शामिल होना और हमारी पार्टी की मजबूती और भी बढ़ाता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोग हमारी पार्टी में शामिल होते हैं। लेकिन एक चीज ये है कि सोनाली जी, अब वो चाहते हैं कुलदीप बिश्नोई के
उपचुनाव में उनके बेटे भव्य बिश्नोई हैं, वो चुनाव लड़े, इसको लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो वो चाहते हैं ना, इसमें हमारे चाहने से कुछ नहीं होता कि हम, मैं भी चाहती हूँ क्योंकि मैंने भी चुनाव लड़ा है वहां से, आदमपुर के लोगों के प्रति मेरी भी जिम्मेदारियां हैं, तो मैं भी वो मांगूंगी। लेकिन ये तय करता है हमारा जो उस नेतृत्व है, वो तय करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, क्या होगा। ये तो समय पे है, आने वाला वक्त बताएगा कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं। लेकिन उनके आने के बाद तो दावेदारी उनकी मजबूत हो जाती है। देखिए, वो मौजूदा विधायक है, बनता भी है, और आगे देखते हैं क्या रहता है पार्टी क्या। चलिए जय।